वेलकम माय फ्रेंड्स, ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी में आज हम लोग तीन शब्दों के बारे में, तीन शब्दावली जो इकोनॉमी की शब्दावली है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये शब्दावली है स्लो डाउन, दूसरा है रिसेशन और तीसरा है डिप्रेशन। तो इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके साथ साथ हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन भी शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं कि स्लो डाउन क्या है। स्लो डाउन और रिसेशन और डिप्रेशन तीनों के जो हिंदी शब्द, इसको देवनागरी में वही लिखते हैं, उच्चारण भी हिंदी में इसी प्रकार से है। अब तीनों में आपने देखा होगा स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन, तो मांग, पूर्ति मांग, पूर्ति मांग और पूर्ति मांग तीनों में है। तीनों में दिखाया गया है कि पूर्ति जब मांग से अधिक हो, पूर्ति जब मांग से अधिक हो, इसका कहने का मतलब ये है कि पैसे के अभाव में लोग वस्तुओं की मांग नहीं करते हैं, पूर्ति तो रहती है लेकिन मांग उसकी नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि सामानें जो होती है, कुछ सामान जो है उनकी डिमांड नहीं होती, मांग नहीं होती है सामान की, और सामान जो है ज्यों के त्यों मार्केट में पड़े रहते हैं, क्योंकि पूर्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कल कारखाने ज्यों त्यों सब चलते रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन मांग उनकी कम रहती है। तो इस स्थिति को हम लोग बोल देते हैं स्लो डाउन, और यह स्थिति जो है कई महीनों तक की स्थिति बनी रह सकती है। स्लो डाउन इकोनॉमी में हमेशा बारंबारता इसकी बहुत ज्यादा होती है, हर दो चार साल पर या साल में भी इस तरह के स्लो डाउन की समस्याएं बनती हैं। तो स्लो डाउन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक हो, या पूर्ति अधिक हो और मांग कम हो, उस स्थिति को हम लोग बोल देते हैं स्लो डाउन। इस स्थिति में वस्तु मार्केट में ऐसे ही रहती है, लोग मार्केट में जाते तो हैं लेकिन खरीद नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव होता है। दूसरा है रिसेशन। रिसेशन की जब हम बात करते हैं तो रिसेशन में भी पूर्ति अधिक होती है, मांग कम होता है, मतलब कि मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, और रिसेशन की स्थिति कई महीनों से लेकर वर्षों तक होती है। जब ये महीनों से लेकर के वर्षों तक होती है स्थिति, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि वस्तुएं अनबिकी रह जाती है। अनबिकी यहां भी रहती है लेकिन समय के साथ वो स्लो डाउन खत्म हुआ पुनः बिक जाती है, लेकिन ये लंबे समय तक वस्तुएं क्या रहती है रिसेशन में, अनबिकी रह जाती है। जब अनबिकी रह जाती है वस्तुएं, तो जो जिस वस्तु का उत्पादन करता है कारखाना या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या कारखाना, जो जिस वस्तु का उत्पादन करता है, मान लीजिए कि अगर वो कूलर का कर रहा है, फैन का कर रहा है, एसी का कर रहा है, या रेडीमेड गारमेंट का भी कर रहा है अगर वो, और वो वस्तुएं अनबिकी रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो कल कारखाने बंद होने लगते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड जिन वस्तु की चर्चा मैंने की है लंब महीनों से लेकर वर्षों तक क्या होती है, नहीं होती है। जब नहीं होती है तो कल कारखाने क्या हो जाते हैं, बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक बिकेगा नहीं तब तक कल कारखानों के उत्पादन का कोई मतलब होता नहीं है। तो क्या होते हैं, कल कारखाने बंद होने शुरू हो जाते हैं और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब कल कारखाने बंद होने लगे तो बेरोजगारी की स्थिति स्वाभाविक है कि पीने लगेंगे, जो मॉल्स हैं वहां पे भी अगर बिक्री नहीं होगी तो मॉल से भी रिक्रूटमेंट होगा नहीं, तो वहां से भी बेरोजगारी की संभावना बढ़ती चली जाती है। अब बात होती है, अगला है डिप्रेशन। डिप्रेशन है कि यहां भी पूर्ति मांग से बहुत अधिक है, लेकिन यह जो पूर्ति मांग की कमी है और पूर्ति की अधिकता है वो लंबे वर्षों तक, कई वर्षों तक बनी रहती है। जब ये कई वर्षों तक बनी रहती है, इवन कि अगर मार्केट में वस्तुएं सस्ती भी है तब भी वो नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि पैसे का बहुत ज्यादा अभाव हो जाता है, और ये कई वर्षों तक बनी रहती है। बड़े पैमाने पर वस्तुएं अनबिकी, अनबिकी यहां भी थी लेकिन यहां क्या है, बड़े पैमाने पर वस्तुएं अनबिकी रह जाती हैं। कल कारखाने बड़े पैमाने पर बंद हो जाते हैं, यहाँ शुरू होने लगते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये वर्षों तक क्या होती है, मांग नहीं होती है वस्तुओं की, तो स्वाभाविक है कि बंद हो जाते हैं, और व्यापक बेरोजगारी की स्थिति हो जाती है और छटनी भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये तीन स्थितियां हैं, और तीनों स्थितियों में आपने देखना होगा स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन में, कि तीनों स्थितियों में मांग कम है, पूर्ति अधिक है। जहां तक ड्यूरेशन की बात है तो जो स्लो डाउन है वो महीनों तक होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है,
रिसेशन जो होता है महीनों से लेकर वर्षों तक जाता है और इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, और डिप्रेशन जो होता है वर्षों तक होता है। जब ये कई वर्षों तक होता है स्वाभाविक है कि मांग है नहीं तो कल कारखाने बंद हो जाते हैं और इसमें शुरू होने लगते हैं। ग्रेट डिप्रेशन जो था 1929 का महान मंदी जो था वो डिप्रेशन की स्थिति में आता है। 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड था, विश्व की महान मंदी, वो किस में आता है? डिप्रेशन में। शब्द उसके शब्द होता है डिप्रेशन, चूंकि वर्षों तक वस्तुओं की मांग नहीं था, चूंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, क्रय क्षमता नहीं थी वस्तुओं की, पैसा था नहीं तो क्रय क्षमता भी कम हो गया था। तो ये था स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन। और मैं बता दूं कुछ अर्थशास्त्रियों ने 1929 को डिप्रेशन के बदले में रिसेशन शब्द भी प्रयोग किया है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि डिप्रेशन है वो, ठीक है। तो ये है स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन, मतलब कि शुरुआत होती है, ये शुरुआत यहाँ होती है और समाप्ति यहाँ पर होती है। स्लो डाउन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, साल भर में 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, महीना भर 2 महीना भी हुआ उसके बाद फिर मार्केट पकड़ लेता, फिर स्लो डाउन की स्थिति हो जाती है, या 2-4 साल पर एक बार स्लो डाउन की स्थिति देखने को हमारी मिलती है। उससे कम फ्रिक्वेंसी रिसेशन की होती है और सबसे कम जो है डिप्रेशन की है। 1929-30 के बाद डिप्रेशन की स्थिति विश्व ने नहीं देखा है, हाँ रिसेशन का फेज आया है बीच बीच में। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों जो इकोनॉमिक शब्द हैं उसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आप पसंद अगर आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।